नमस्कार साथियों, मीमांसा ऑनलाइन एकेडमी पर फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं आदिकाल के भाग 5 पर। जी हाँ, आदिकाल का जो वीडियो नंबर 1 से 4 है वो आप सभी वो हमारी प्लेलिस्ट में मौजूद है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लीज़ ज़रूर जाकर देखें, और अगर आपको महत्वपूर्ण लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए आइए शुरू करते हैं आज की क्लास मीमांसा ऑनलाइन एकेडमी आदिकाल भाग 5। बात करते हैं उक्ति व्यक्ति प्रकरण में दामोदर पंडित ने कौशल की भाषा को अपभ्रष्ट कहा है। जी हाँ, बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है कि कौशल की जो भाषा है उसे दामोदर पंडित ने क्या कहा है, अपभ्रष्ट कहा है। पुरानी हिंदी का उदय अवहट्ठ से माना जाता है। जी हाँ, विद्यापति ने अपनी कीर्ति लता रचना की भाषा को अवहट कहा है। जी हाँ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बिंदु है। शब्दानुशासन और उक्ति व्यक्ति प्रकरण व्याकरण ग्रंथ है। ये दोनों ही ग्रंथ जो है वह कौन से ग्रंथ है, व्याकरण के ग्रंथ हैं। पुरानी हिंदी में दोहा, चौपाई और छपाई को छोड़कर अन्य छंद नहीं मिलते हैं। अपभ्रंश के कृष्ण काव्य के प्रणेता स्वयंभू माने जाते हैं। पुष्पदंत की जन्मशती 10वीं है। रानीपन और सामंती जीवन से बंधन मुक्ति की अभिव्यक्ति बिसलदेव रासों से मानी जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये भी। बिसलदेव रासों का काव्य रूप गीति काव्य है तथा यह एक श्रृंगार परक रचना है। यह प्रश्न अनेकों बार प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा हुआ है कि बिसलदेव रासों जो है वह श्रृंगार परक है या नहीं, तो श्रृंगार परक रचना है। चौपाई के साथ दोहा रखने की प्रवृत्ति कड़वक कहलाती है। चंद बरदाई को पृथ्वीराज का समकालीन गारसद दासी ने कहा। ये देखिए, ये भी इम्पोर्टेंट बात है। सारे बिंदु इतने महत्वपूर्ण हैं कि इनसे अनेकों प्रश्न अभी तक के प्रतियोगी परीक्षाओं में देखे गए हैं और भविष्य में भी देखे जाएंगे। इसलिए इस वीडियो को आप 2 बार 3 बार ज़रूर देखें ताकि एक एक लाइन आपको याद होए और सारे के सारे फैक्ट आपको पूरी तरह से याद हो जाएँ ताकि परीक्षा में आपको इसका फ़ायदा हुए। पृथ्वीराज रासो बिल्कुल अनऐतिहासिक है, यह कथन है गौरीशंकर हीरानंद ओझा जी का। पृथ्वीराज रासो के प्रथम उद्धारक कर्ता के रूप में चार्ल्स इलियट प्रसिद्ध हुए। हमीर रासो का एक पद्य प्राकृत पेंगलम में मिलता है। खुमान रासो में मेवाड़ के प्रताप का वर्णन है। ध्यान रखिएगा, खुमान रासो में मेवाड़ के प्रताप का भी वर्णन दिया गया है। पृथ्वीराज विजय के लेखक जयानक माने जाते हैं। पृथ्वीराज विजय के लेखक कौन है, जयानक। चलिए आगे बात करते हैं, हम और भी महत्वपूर्ण बिंदु हैं। चलिए आगे बात करते हैं। कन्नौज राजा जयचंद की वीरता का गान जयचंद प्रकाश में मिलता है। प्राकृत पेंगलम का काव्य रूप प्रशस्ति मूलक मुक्तक काव्य है। डोला मारूरा दोहा की नायिका का नाम मारवड़ी है। प्रथम बावनी काव्य मातृका प्रथमाक्षरा दोहरा माना जाता है। अनेक बार प्रश्न ये भी आया हुआ है। अमीर खुसरो को अवधि का प्रथम कवि रामकुमार वर्मा ने माना, यह भी इम्पोर्टेंट है। विद्यापति पदावली का संपादन रामवृक्ष बेनीपुरी ने किया। पंडित सभी शास्त्रों का बखान करते हैं परंतु देह में बसने वाले बुद्ध को नहीं जानते, यह कथन है सरहपा का। देहिल बहना सब जन बिठा ते तेसन जपवो अवहट्टा, यह कथन है विद्यापति का। नेमिनाथ फागू के रचयिता राजशेखर सूरी हैं। जय मयंक जस चंद्रिका का काव्य रूप प्रबंध काव्य है। बड़ी कठिन है डगर पनगट की काहे को ब्याहे परदेश सुन मेरे बाबू गोरी सोवे सेज पर मुख पर डाले केश, ये तीनों ही कथन अमीर खुसरो के हैं। यह पंक्ति बहुत इंपॉर्टेंट है, अनेक बार आपको परीक्षाओं में देखने को मिली होगी कि आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं। यह पूरी पंक्ति जो है और भी है इसमें, पर यह पूरी पंक्ति आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा कही गई है। पहले जैसे गाथा या कहा कहने से प्राकृत का बोध होता था, वैसे ही पीछे दोहा या दोहा कहने से लोक प्रचलित भाषा का बोध होने लगा, यह कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। अभी अंतर की त्यागे माया दुबत्या में ही सहज में रहे, यह कथन है गोरखनाथ का। कुटिल के सुदेश पोह परिचियत की कसद कमल गंध वय संधि हंस गति चलती मंद मंद,
यह कथन है चंद बरदई जी का। जी हाँ, चंद बरदई जी, पृथ्वीराज तृतीय के समकालीन। भरत मुनि का समय विक्रम संवत तीसरी सदी माना जाता है। भामह का समय विक्रम सातवीं सदी माना गया है। ध्यान रखिएगा, बहुत इम्पोर्टेंट है ये, इनका जो समय है वो पूछा जाता है। और चंद बरदई से रिलेटेड जो भी पॉइंट बनते हैं वो तो आपको याद रखना ही है, क्योंकि चंद बरदई बरदई एक महत्वपूर्ण व्यक्ति था। शुक्ल का इतिहास ग्रंथ हिंदी शब्द सागर में हिंदी साहित्य का विकास नाम से प्रकाशित हुआ। ये लाइन से प्रश्न बने हुए हैं। मुंज और बोझ का समय विक्रम 1050 माना जाता है। बाल चंद बिज्जा वही पाशा दोहना लग गई हुसन हासा, यह विद्यापति का कथन है। महाराजा बोध से हमीर तक को आदिकाल शुक्ल ने माना, बहुत इंपॉर्टेंट है। हिंदी साहित्य का आदिकाल नामक रचना हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की है, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट पंक्ति है। तो आचार्य शुक्ल ने आदिकाल का जो समय पीरियड है वो महाराजा बोझ से लगाकर जो हमीर तक माना है, आचार्य शुक्ल की बात हुई यहाँ पर। चलिए आगे बात करते हैं। आगे हम देखते हैं कि किस तरह से चीजें चलती है। अभ्रंश नाम सर्वप्रथम वल्लभी राजा धारसेन द्वितीय के शिलालेख में मिलता है। अभ्रंश यानी प्राकृत आभास हिंदी में रचना होने का पता विक्रम संवत सातवीं सदी से हमें चलता है। देवसेन का समय विक्रम संवत 290 माना जाता है। देवसेन का समय है विक्रम संवत 290, ध्यान रखिएगा। दब सहाव प्रयास यानी द्रव्य स्वभाव प्रकाश की रचना देवसेन की मानी जाती है। पुष्पदंत का समय विक्रम संवत 1029 माना जाता है। आदि पुराण और उत्तर पुराण के रचयिता पुष्पदंत को माना जाता है। बौद्धों का प्रभाव पूर्वी भागों में था, जी हाँ। सिद्धों का मुख्य क्षेत्र बिहार से असम तक था। सरहापा का समय विक्रम संवत 690 और लुईपा का समय विक्रम संवत 830 था। इनका वो टाइम पीरियड पूछता है वो, कि इनको क्या जमाइए, क्रम से जमाइए, लुईपा को सरहापा को इनको क्रम से जमाइए। तब इनमें क्रम से जमाने के लिए इनका जो समय है वो पता होना चाहिए। इसमें पुष्पदंत भी महत्वपूर्ण है। पुष्पदंत का समय है विक्रम संवत 1029। काका तरोवर पंच बिडाल, ये लुईपा का कथन है। देखिए कालक्रम के अनुसार बात करें तो सरप्पा सबसे पहले, उसके बाद लुईपा, उसके बाद विरूपा, उसके बाद कणप्पा, ये ध्यान रखिएगा। स ल वी क। माँ सुखवाद का वज्रयान शाखा में जन्म हुआ था। गंगा जमुना माहे बरिय नाही, ये कणप्पा का कथन है, ये ध्यान रखिएगा आप, इम्पोर्टेंट है। बौद्ध शास्त्र में 5 प्रकार के विकार माने गए हैं। जिमी लोन विलिज जई पानी एही तिमी धरणी लई चित्त, ये कणप्पा का कथन है। गोरखनाथ के नाथ पंथ का मूल वज्रयान है। वज्रयान का प्रभाव क्षेत्र पूर्वी भाग माना गया है। गोरखनाथ ने अपने ग्रंथ का प्रचार राजपूताना और पंजाब में किया था, बहुत इंपोर्टेंट बात है अभी कि गोरखनाथ ने अपने ग्रंथ का प्रचार कहाँ किया था, तो राजपूताना में किया था और साथ ही साथ पंजाब में भी किया था। चलिए आगे बात करते हैं। गोरखनाथ ने अपने ग्रंथ का प्रचार राजपूताना और पंजाब में किया, ये बात हम कर चुके हैं। देखिए कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा मीटर हम आज तक आप तक सभी लोगों तक पहुंचा रहे हैं। गोरखनाथ का समय राहुल सांकृत्यायन के अनुसार 10वीं सदी है, बहुत महत्वपूर्ण है। अभी ज्ञानदेव के गुरु गोरखनाथ थे। गोरखनाथ का समय 10वीं सदी शुक्ल ने नहीं माना, ध्यान रखिएगा नहीं माना है। गोरखनाथ का समय पृथ्वीराज चौहान वाला शुक्ल ने माना है। शुक्ल जी मानते हैं कि गोरखनाथ जो थे वह पृथ्वीराज चौहान तृतीय के समय थे। नाथ संप्रदाय में बालनाथ जालंधर नाथ को कहा जाता है। नाथों में प्रथम नागार्जुन माने जाते हैं, ध्यान रखिएगा ये भी। नाथों में प्रथम कौन है, नागार्जुन। नागार्जुन, गोरखनाथ, चरपटनाथ, जालंधर नाथ सिद्धों में गिने जाते हैं। 84 सिद्धों में बहुत से मछुए भी थे, डोम भी थे, कहार थे, लकड़ारे थे, दर्जी थे तथा बहुत से शुद्ध कहे जाने वाले थे। अतः जाति पाति के खंडन तो वे अपने आप ही थे। तो ये कथन किसका है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। चलिए आगे बात करते हैं। अवधु रैया हाठे बांटे रूप की छाया, ये गोरखनाथ जी का कथन है। सांप्रदायिक शिक्षा देने की प्रवृत्ति सिद्धों में थी, जी हाँ। शुक्ल यानी आचार्य रामचंद्र शुक्ल सिद्धों के साहित्य को शुद्ध साहित्य की कोटि में नहीं मानते, ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
कुमारपाल चरित्र के रचनाकार हेमचंद हैं। कुमारपाल चरित्र की भाषा प्राकृत है, ध्यान रखिएगा प्राकृत है, और रचयिता का नाम है हेमचंद्र। कुमारपाल प्रतिबोध गद्य पद्य प्राकृत में है, जो कि संवत 1211 में सोमप्रभ सूरी ने लिखा। प्रबंध चिंतामणि का समय संवत 1361 माना जाता है। जय शक्कर सय खंड तिपतो इस मीठी चूरी, यह मुंज कवि का कथन है। प्राकृत पिंगल सूत्र में पद संकलन विद्याधर ने किया था। अपभ्रंश ग्रंथों की परंपरा का अंत शुक्ल ने हम्मी रासों से माना है। बहुत इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट बात है कि अपभ्रंश ग्रंथों की जो परंपरा है उसका अंत आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किस ग्रंथ से माना है, तो हम्मी रासों से माना है। विद्यापति का समय, यहाँ चल रहे हैं हम, विद्यापति का समय 1403 ईस्वी या 1460 संवत माना जाता है। शुक्ल ने देशभाषा कवि के आधार पर आदिकाल को वीरगाथा काल नाम दिया। अपभ्रंश में जैन नाथ सिद्ध कवियों की रचनाओं को साहित्य शुक्ल ने नहीं माना। ध्यान रखिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि अपभ्रंश काल की जो रचनाएं में जो जैन है नाथ है और सिद्ध है उन कवियों की रचनाओं को आचार्य शुक्ल ने साहित्य की श्रेणी में नहीं माना है। वो नहीं मानते कि ये साहित्य है, ये आप ध्यान रखिएगा बिल्कुल। चलिए आगे चलते हैं हम। देखिए बात करते हैं, तांत्रिक साधना की प्रधानता वज्रयान में मानी जाती है। तांत्रिक जो साधना की प्रधानता है वो किसमें मानी गई है, वज्रयान में मानी गई है। नाथों को अवधूत मत भी कहते हैं। नाथों को क्या कहते हैं, अवधूत मत। आदिकाल में प्रामाणिक साहित्य जैनों का माना जाता है। पुरुष परीक्षा और भू परिक्रमा विद्यापति की रचनाएं हैं। कीर्तिलता की भाषा कौन सी है, अवहट्ट। किरान उल सादेन और खालिक बारी अमीर खुसरो की रचनाएं हैं। उज्ज्वल नीलमणि के रचयिता रूप गोस्वामी माने जाते हैं। अपने समय के कलिकाल सर्वज्ञ हेमचंद्र माने जाते हैं। बौद्ध सिद्धों के पदों और दोहों को बौद्ध कांगड़ा दोहा नाम से बंगला बंगला के अक्षरों में प्रकाशन पंडित हर प्रसाद शास्त्री ने करवाया। स्वयंभू की अप्रकाशित रचनाओं को हिंदी काव्यधारा के नाम से राहुल सांकेत्यायन जी ने संग्रह प्रकाशित कराया था। सरप्पा शबरप्पा स्वयंभू की शताब्दी 8वीं मानी गई है, ये सब 8th सेंचुरी में थे। लुईपा डोम्बीपा गंडूरीपा विरूपा गोरखपा ये 9वीं शताब्दी। देवसेन पुष्पदंत जोइंदु रामसिंह धनपाल 10वीं शताब्दी। अब्दुल रहमान कनकाम्बर मुनि जिंद सूरी 11वीं शताब्दी और हेमचंद हरिपद सूरी सोमप्रभ सूरी विद्याधर 12वीं सदी। पंचमी चरियुर स्वयंभू की रचना है। आदिकाल को वीरकाल विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने कहा और सरोज वज्र और राहुल भद्र सर्रपा के उपनाम है। सर्रपा को ही इन नामों से जाना जाता है, यह आप ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं। चलिए, कुकुरिया के गुरु चरपटिया थे। आचार रास फाक चरित्र शैलियां जैन साहित्य में मिलती है। लघुनय चक्र और दशन सार नामक ग्रंथ देवसेन के हैं। भरतेश्वर बाहुबली रास खंड काव्य 1184 में लिखा गया है। चंदन बाला रास लघु खंड काव्य है जिसमें 35 छंद और 1200 ईस्वी में इसको लिखा गया था। नेमिनाथ रास में 58 छंद है। नाथ संप्रदाय का अन्य नाम है योग संप्रदाय या योग मार्ग भी है। गोरखनाथ की पुस्तकें बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। प्राण सांकली सबदी नरवई बोध आत्मबोध काफिर बोध सप्रवार पंचमात्रा पंचअग्नि अंभे मात्रा रसराह अष्टचक्र एमावली गोरखबोध ज्ञान तिलक दयाबोध गोरखसार ये सब गोरखनाथ जी की पुस्तकें हैं। गोरखबाणी की रचना पीताम्बर दत्त भरतवा ने की। सिद्धांत पंचमात्रा की रचना राघवानंद ने की। पृथ्वीराज रासों को अर्ध प्रमाणिक यानी कि आधा प्रमाणिक मानने वाले आचार्य प्रसाद द्विवेदी हैं। मुनि जी विजय हैं और सुनीति कुमार चटर्जी हैं, ध्यान रखिएगा। बच्ची और गौर निशान नाम चौहान संदीव सुनी चंद्र बर्दे का कथन है। दो सखों ने पुस्तक अमीर खुसरो की है। नाथ संप्रदाय के रचयिता आचार्य प्रसाद द्विवेदी हैं। प्रबंध कोश के रचयिता राजशेखर हैं। पृथ्वीराज रासो व परमार रासो को आचार्य प्रसाद द्विवेदी ने अर्ध प्रमाणिक माना है। किसे माना है, अर्ध प्रमाणिक माना है। रणमल छंद सन 1454 में शारंतर ने लिखा और अमीर खुसरो की मृत्यु संवत 1381 में हुई थी। तो यहाँ आकर हमारा भाग 5 जो है वह समाप्त होता है।
भाग छः के लिए आप इंतज़ार करिए, हम बहुत जल्द भाग छः लेकर आएंगे। मीमांसा ऑनलाइन एकेडमी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।